नमस्कार, आज है 2 दिसंबर और जानते हैं कि आज इतिहास के पन्नों में क्या है। आज के दिन 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और डॉक्टर सी रंगराजन को आरबीआई का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1992 को। और यूएई का भी फाउंडेशन आज के दिन हुआ था। 7 छोटे छोटे कंट्री अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमानुल क्वैन और फुजैरा ने आज ही मिलकर एक महासंघ बनाया था। एक नई कंट्री बनी थी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। आज ही के दिन 2 दिसंबर की रात को 1984 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं उसमें। भोपाल में एक फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल के नाम से, जो कि कीटनाशक बनाती है, उसमें से गैस लीकेज हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि बहुत जहरीली गैस है, वो लीकेज हो गई थी और उससे लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग उससे अफेक्टेड हुए थे, प्रभावित हुए थे। बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोग उससे विकलांग हो गए थे। उसका असर बहुत दिनों तक तो रहा, आज भी कहते हैं उसका असर है सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक उसे मानते हैं। इसे बोलते हैं भोपाल आपदा, है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे शो द इंटेलिजेंट शो को आप सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर के पे आपने आप क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।